नूरपुर विधानसभा क्षेत्र के गांव में 2 वर्ष पहले साहीवाला देसी गौ के संरक्षण संवर्धन व नस्ल सुधार प्रकल्प का काम स्वदेशी कामधेनु गौशाला द्वारा शुरू किया गया था। पढ़े लिखे होने के बावजूद भी गौ सेवा को ही राजेश, दीपक, ऋषि और पंकज ने चुना और अपना लक्ष्य बनाया। वे देसी नस्ल की गायों को लेकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। नौकरी को छोड़कर सबने गाय सेवा करना अपना लक्ष्य बनाया। उन्होंने 1 एकड़ जमीन में गौशाला को खोला जिसमें लगभग 55 गायें हैं, जिसमें दूध देने वाली 18 गायें हैं जो कि एक दिन में लगभग 80 किलो दूध देती हैं। दूध को बिल्कुल भी बेचा नहीं जाता है। सभी गाय साहीवाल नस्ल की देसी गाय हैं। साहीवाल नस्ल भारत की उच्चतम देसी नस्ल है जो कि हिमाचल के वातावरण के हिसाब से सबसे उत्तम है। ये गाय बीकानेर एवं हरियाणा के कुछ क्षेत्रों से लाई गई हैं। इन 55 गायों के लिए रोज 1.5 क्विंटल तूरी, 4 क्विंटल घास व दूध देने वाली गायों को खल चोकर इनका मिश्रण दिया जाता है। गाय के बच्चों के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं की गई हैं व गर्भवती गायों के लिए अलग से व्यवस्था है। इस समय 11 गाय गर्भवती हैं, 9 गाय के बच्चे हैं और लगभग 16 बच्चियां हैं। अधिक जानकारी देते हुए ऋषि डोगरा ने बताया कि स्वदेशी कामधेनु गौशाला गनोह में देसी नस्ल की साहीवाल गाय के संरक्षण संवर्धन एवं नस्ल सुधार प्रकल्प पर आगामी कार्य किया जा रहा है। गौशाला की शुरुआत आशुतोष महाराज की प्रेरणा से हुई है और उस प्रेरणा से प्रभावित होकर उनके बड़े भाई राजेश डोगरा ने 2 वर्ष पहले इस विषय पर चिंतन शुरू किया था और छोटे भाई ऋषि डोगरा और दीपक वर्मा ने इस कार्य को करने के प्रति प्रेरित किया। इसके लिए उन्होंने हिमाचल प्रदेश को ही चुना। उन्होंने बताया कि नौकरी करते समय उनके दिल में डर था कि उन्होंने कभी गाय का काम नहीं किया है और ये काम वे कैसे करेंगे। उन्होंने बताया कि उनके बहनोई जो कनाडा में रहते हैं वो भी यहाँ पर आए और उन दोनों को इस बारे में प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि आज स्वदेशी कामधेनु गौशाला जो गाय के संरक्षण संवर्धन और नस्ल सुधार में अग्रणीय काम कर रही है। इस समय गौशाला के अंदर लगभग 55 गायें हैं और कुछ गोपाल भी हैं। उन्होंने कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि हिमाचल के अंदर किसान जो कि जर्सी और होल्स्टन गाय को पाल रहे हैं उसके घर में ये गाय बांधी जाए। उसके खूंटे से जब ये गाय बंधेगी तभी हमारी गाय की बाहर घूमने की जो समस्या है वो दूर होगी, क्योंकि ये गाय जब तक किसान के पास रहेगी ये उसे कुछ न कुछ देती रहेगी। इसके गौमूत्र और गोबर से बहुत ज्यादा कमाई होती है। उन्होंने कहा कि आज स्वदेशी कामधेनु गौशाला ने गांव से निर्मित गौ उत्पाद बनाए हैं जो कि 8 या 9 की संख्या में है। सबसे पहले वैदिक घी का निर्माण भी उनके द्वारा ही किया गया था जो दही में जमा हुआ होता है। दही से मक्खन की प्रक्रिया और उसके बाद देसी घी की प्रक्रिया है। इस तरह से दही से बची हुई लस्सी जो है उसे गौ चिकित्सा के लिए तरकासव और तरकारिष्ट का निर्माण किया जाता है जिनकी आज आयुर्वेदिक केंद्रों में बहुत डिमांड है। मित्रों, मेरा नाम ऋषि डोगरा है और मैं स्वदेशी कामधेनु गौशाला जो कि गौ संरक्षण संवर्धन एवं नस्ल सुधार पर कार्य कर रही है ये इस कार्य को यहाँ पे हिमाचल में देख रहा हूँ। इस कार्य को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ी सी आपको जानकारी देना चाहूंगा कि ये विचार हमारे मन में कैसे आया। सबसे पहले जो प्रेरणा हमारे मन में आई हमारे गुरु आशुतोष महाराज जी की बहुत बड़ी प्रेरणा, क्योंकि वहां पे एक बहुत बड़ी गौशाला है, उसको देख के हमें लगा कि क्यों ना ऐसी गौशाला भारत की अगर बड़ी गौशाला है तो हिमाचल के अंदर भी एक गौशाला क्यों ना खोली जाए। तो फिर हमारे बड़े भाई राजेश डोगरा जी ने इस विचार को धीरे धीरे स्टडी किया। 2 साल हमने पूरी स्टडी में लगाए तो भाई साहब ने बहुत प्रेरित किया कि आप हिमाचल में इस कार्य को खोलो। तो नौकरी करते हुए मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था कि यार कभी गाय का काम किया नहीं, कैसे इस कार्य को करेंगे। तो देखते देखते मेरे बहनोई जी जो कनाडा में सेटल थे वो भी यहां पर आ गए और हम दोनों ने मिलकर इस कार्य को स्टार्ट किया। भाई साहब ने पूरी अपनी सपोर्ट दी तो आज स्वदेशी कामधेनु गौशाला जो है वो गाय के संरक्षण संवर्धन और नस्ल सुधार पर एक अग्रणीय कार्य कर रहा है। विशेष बात यह है कि इस गौशाला में केवल साहीवाल नस्ल की गायों के ऊपर ही कार्य किया जा रहा है और इस समय
इस गौशाला के अंदर लगभग 55 के करीबन जो गौ माताएं हैं और कुछ गोपाल भी हैं। तो उद्देश्य ये है कि हिमाचल के अंदर किसान जो कि जर्सी और होल्स्टीन गाय को पाल रहा है उसके घर में ये गाय बांधी जाए, उसके खूंटे से जब ये गाय बंधेगी तब हमारी जो गाय के बाहर घूमने की समस्या है वो दूर होगी, क्योंकि ये गाय जब तक किसान के पास रहेगी ये उसको कुछ ना कुछ देती जाएगी और इसके गौमूत्र से और गोबर से ही वो दूध से ज्यादा कमाई कर सकता है। आज आप देखेंगे कि स्वदेशी कामधेनु गौशाला में गौ से निर्मित गौ उत्पाद बनाए हैं जो कि 8 या 9 की संख्या आज की डेट में है। सबसे पहले वैदिक घी का निर्माण हम करते हैं जो कि दही से जमा हुआ होता है, दही से मक्खन की प्रक्रिया और उसके बाद से देसी घी की प्रक्रिया। इसी तरीके से दही से जो बची हुई लस्सी है उसके द्वारा हमने गौ चिकित्सा के द्वारा तकरासव और तकरारिष्ट का निर्माण किया जिनकी कि आज आयुर्वेदिक सेंटर्स में बहुत अच्छी डिमांड है, कांगड़ा सोलन फाजिलका में मेरा ये सामान जाता है। इसके अलावा गौमूत्र को हम कलेक्ट करते हैं सुबह के समय, जो एक स्पेसिफिक टाइम होता है उस समय हम गौमूत्र को कलेक्ट करके उसको कंडेंस करके गौमूत्र अर्क बनाते हैं जो कि डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग, साइंस के अकॉर्डिंग कैंसर और सिरोसिस की सबसे बढ़िया दवा है। इससे आज भी हमने कई लोगों पर ट्राई किया और हमें 100% रिजल्ट्स मिले हैं कि ये सबसे बेस्ट अर्क की दवाई मानी जाती है। इसके अलावा हम गाय के गोबर से कुछ सुगंधित अगरबत्तियां बनाते हैं जो कि बिल्कुल शुद्ध वैदिक तरीके से बनी है, नवग्रह शांति धूप है। फिनाइल का निर्माण हम गौमूत्र अर्क से कर रहे हैं, नॉन केमिकल है, कोई केमिकल नहीं है इसके अंदर। आप चाहे इसको बचे हुए को आप प्लांट्स में भी नुकसान नहीं होगा। इसके अलावा हमारे एक गौ में वातनाशक तेल के ऊपर कुछ अनुसंधान चल रहा है, रिसर्च चल रही है, सैंपल्स हमने रेडी किए, बहुत अच्छा रिजल्ट है। इस तरीके से हम गौ उत्पाद पे सारा कार्य कर रहे हैं और गौ उत्पाद से निर्मित चीजें हम समाज को देना चाहते हैं, क्योंकि आज समाज जिस समस्या से जूझ रहा है, हेल्थ इश्यू से जूझ रहा है, उसका बेसिक कारण यह है कि पेस्टिसाइड और यूरिया का इस्तेमाल। आने वाले समय में स्वदेशी कामधेनु गौशाला का मिशन है कि वो जैविक खेती भी करे, जिसके लिए हम गौमूत्र और गोबर से घन जीवामृत बना के जैविक खेती करेंगे और जैविक चारा अपने पशुओं को देंगे।